साउथ दिल्ली से 5 ट्रेनों के माध्यम से 1200 लोगों को उनके गांव भेजा गया। तस्वीर हम आपको दिल्ली के छतरपुर इलाके की दिखा रहे हैं। यहां पर साउथ डिस्ट्रिक्ट के एडीएम के नेतृत्व में इन सभी लोगों को आज बिहार, कर्नाटक और जम्मू के लिए रवाना किया गया। बसों से ये लोग रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहाँ से ये लोग ट्रेन के रास्ते अपने गांव जा सकेंगे। इसमें ज़्यादातर छात्र भी हैं जो कि जम्मू के रहने वाले हैं और एडीएम ने यहाँ पर सभी को छतरपुर में बुलाकर पहले उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराई, उसके बाद उनको बस के माध्यम से यहाँ पर भेजा जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और लगातार जिस तरीके से आपको बता दें कि ये सभी लोग इस लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए थे और अब इनको जब से ट्रेनें चालू हुई 12 मई से तो अब इनको इनके गांव भेजा जा रहा है। इसमें आज आपको बता दें कि पुरानी दिल्ली से बिहार के लिए ट्रेनें रवाना होंगी, आनंद बिहार से रवाना होंगी और साथ ही साथ जम्मू के लिए। तो तीन जगह के जो यात्री हैं तकरीबन 1200 लोगों को 35 बसों के माध्यम से आज उनके गाँव भेजा जाएगा और साउथ डिस्ट्रिक्ट एडीएम की तरफ से खाने और पानी के जो पैकेट हैं वो भी इनको दिए जा रहे हैं जो कि इनके लिए रास्ते में काम आएंगे। आज तीन ट्रेन बिहार की हैं, एक ट्रेन जम्मू एंड कश्मीर की है, एक कर्नाटका की है। तो इन पांच जगहों पर इनको भेजा जा रहा है। कितने मजदूर हैं सर और ये कहां-कहां के हैं, रह रहे थे दिल्ली में कहां-कहां थे ये लोग? ये दिल्ली में अलग अलग जगहों पर रह रहे थे। यहां पे तो साउथ दिल्ली में अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग आए हैं और करीबन हमें लगता है इन पाँच ट्रेनों के माध्यम से हम लोग लगभग 1200 के आसपास लोगों को साउथ डिस्ट्रिक्ट से भेजेंगे। सर इसमें स्टूडेंट भी हैं काफ़ी, मैंने देखा कि कुछ लड़कियां हैं जम्मू की हैं और भी हैं बिहार के। जम्मू एंड कश्मीर के हैं वो मेनली स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। जो यहाँ स्टैंडर्ड थे क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटीज भी हैं साउथ और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जिसमें वो पढ़ने आते हैं जी। तो वो भेजे जा रहे हैं। सर क्या क्या चीज़ें आपकी तरफ से मुहैया कराई जा रही हैं? कितने बस के हैं? उनको यहाँ हम सबसे पहले मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए बुलाते हैं, फिर इनका रेलवे स्टेशन तक जो ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट है वो रहता है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। उनको सभी को मील्स के पैकेट दे रहे हैं, दो दो मील्स और वाटर बॉटल्स। इसके अलावा जो कर्नाटका जा रहे हैं उन्हें हम चार मील्स देंगे एक आदमी को क्योंकि लंबी जर्नी है। ये हम लोगों ने तो सर मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, लोग अभी भी प्लान कर रहे हैं, पैदल जाने को मजबूर हैं और आप लोग सुविधा दे रहे हैं तो कैसे रुकेगा ये? पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है और ना अपनी लाइफ को रिस्क में लेने की ज़रूरत है क्योंकि आने वाले दिनों में ट्रेन बहुत सारी शेड्यूल्ड हैं। कल से ट्रेन के नंबर्स और बढ़ने जा रहे हैं तो सभी लोग पेशेंस रखें। 1 वीक से 10 डेज के अंदर जितने भी लोग डिस्ट्रेस कंडीशन में हैं, स्टैंडर्ड हैं, उन सबको ट्रेन के माध्यम से हम लोग जरूर भेजते हैं। सर एक बार टोटल बस कितने हैं? बस आज हम लोगों ने टोटल 35 रिक्विजिशन। सर एक चीज ये कहेंगे कि किस तरीके से लोग जाना चाहें तो कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, कुछ आप लोगों ने भी इस तरीके की चीज़ें चालू करी? हम लोग जो लोग ऑनलाइन पोर्टल्स में रजिस्टर कर रहे हैं उनको भी मैसेज जा रहा है कि आप स्क्रीनिंग सेंटर पे समय पहुंचिए। जो लिस्ट हम लोगों को मिल रही है दूसरे संगठनों के माध्यम से कि ये लोग स्टैंडर्ड हैं उनको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। हम लोग खुद फील्ड में रहते हैं और जहां हम लोगों को ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं उनकी भी लिस्टिंग करा के हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। तो हम लोगों के पास भी है वेरियस सोर्सेज जहाँ से कि हम लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं। अरीना आप लोग कहाँ रहती थी? मैं जम्मू से हूँ। नहीं यहाँ कहाँ रहती थी? जीएसआरआई। अच्छा तो आप लोग क्या कर रही हैं, पढ़ाई करती थी? हाँ जी नेट की कोचिंग। अच्छा तो यहाँ दिल्ली में कहाँ रहती थी आप लोग? जीएसआरआई हॉस्टल। अच्छा तो आप लोग हॉस्टल में रहती थी या क्या? पीजी में। अच्छा पीजी में। हाँ। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आप लोग जम्मू जा रही हैं, कश्मीर जा रही हैं, क्या कहेंगे? हाँ बहुत सारी डिफिकल्टीज हो रही हैं जाने में। कितना प्रोसेस लगा आपको, कितना दिक्कत करना पड़ा जाने के लिए? बहुत ज़्यादा। जैसे में? जैसे रजिस्ट्रेशन करवाई फिर बहुत देर बाद नंबर आया बस ये सब। जिस से आने में भी गाड़ी में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जिस तरीके से माह रमजान मुबारक का महीना चल रहा है इतना आप लोगों को दिक्कत जो है काफ़ी करना पड़ा, अब आप जो है ईद के मौके पर अपने फैमिली के पास पहुँचेंगे, क्या कहेंगे? बस बहुत खुशी होगी अपनी फैमिली के पास पहुँच के।